गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी सुबह का 11:30 हो चुका और मैं आज आ चुका हूँ हजारीबाग, और यहाँ पे मैं रुका हूँ अपना फ्रेंड के घर में, है ना। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पे कैसे स्टूडेंट यहाँ पे कैसे रहते हैं और कैसे स्टडी करते हैं। मेनली यहाँ पे ज़्यादातर मेनली यहाँ के जो स्टूडेंट वो लोग सारे SSC का प्रिपरेशन करते हैं, SSC और गवर्नमेंट एग्जाम का। तो मैं दिखाता हूँ, अपने रूम से स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे बंटी बैठा हुआ है और ये इस तरह का टेबल एक है। बंटी हाय बोलो। हाय हाय। बंटी बैठा हुआ है और देखिए इस तरह का एक टेबल है, इसी पे स्टडी करते हैं ये लोग, है ना। और ये रहा बेड, देखिए ये रहा बेड, ये रहा बेड गाइस। और देखिए इस साइड पे बंटी है। एक रूम में टोटल दो बेड है, और इसके अलावा देखिए ये सारा कुकर, गैस, देखिए चना फूल रहा है उसमें, और बाकी इधर देख सकते हैं किताब वगैरह है। बस इतना छोटा सा कमरा में स्टूडेंट का गुजारा होता है यहाँ पे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, मैं और आपको दिखाता हूँ इस लॉज में और भी स्टूडेंट, उन सभी से हम मिलते हैं जा करके और बातचीत करते हैं। तो गाइस अभी फाइनली मैं जा रहा हूँ लॉज का बाहर, और मैं दिखाता हूँ आपको लॉज कैसा है, और इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा इस लॉज में कितने सारे हेलो स्टूडेंट दोस्तों, हैं। ये मेरे बहुत अच्छे भैया हैं, आप लोग इसके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और और सपोर्ट इसके करें। साथ साथ मैं आपको बहुत ये भी मस्त दिखाऊंगा भैया हैं। कितने सारे स्टूडेंट हैं और कैसे वो लोग स्टडी करते हैं और क्या चीज़ का स्टडी करते हैं, उन लोगों का रूम कैसा है और कितना सारा बुक्स रखे हैं, और यही सब मैं दिखाऊंगा। तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। तो गाइस ये रहा हम लोगों का लॉज। हाँ, इसमें लगभग 32 रूम्स है और 50 से 60 स्टूडेंट भी हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर का दृश्य। तो फिलहाल आप देख सकते हैं 3 स्टोरी बिल्डिंग है ये, और ये मेन गेट है लॉज का। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे स्टूडेंट लोग जो हैं ये लोग स्नान भी कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए कैसे ये लोग पैंट शर्ट में स्नान कर लेते हैं, चड्डी पे स्नान करते हैं, देख सकते हैं। झारखंड के स्टूडेंट हैं, हजारीबाग के। इसका नाम अजीत है। और क्या नाम हुआ आपका जी? सुधीर। अच्छा, आपका? अंशराज। क्या आपका? इधर बंटी। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ भैया? क्या जोर से बोलिए, थोड़ा आना चाहिए आवाज़ ना। नंदलाल। अच्छा नंदलाल जी, वाह, कहाँ से हैं आप? अच्छा राज धनवार से। हाँ। ये रहा यमुना सिंह लॉज। ये यमुना सिंह लॉज है, इधर सुबह खाली लेके खड़ा है। और देखिए ये लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ब्लॉग बनाते हुए, इसीलिए ये लोग बहुत देख रहे हैं, हंस रहे हैं, पूरा स्माइल है। तो मैं फाइनली अब जा रहा हूँ रूम के अंदर जा रहा हूँ, और मैं दिखाता हूँ आपको रूम के अंदर का दृश्य क्या है गाइस। तो फाइनली अब मैं जा रहा हूँ इनके गेट के अंदर, और मैं इनसे बातचीत करता हूँ, पूछता हूँ ये लोग क्या कर रहे हैं। और दाल को छोंक मार रहे हैं ये लोग, गजब, देख सकते हैं गाइस पूरा जबरदस्त। देखिए कलर क्या है जबरदस्त, बहुत तकलीफ है, बहुत। देखिए ये जो भैया हैं इस लॉज का सबसे पुराने हैं। देखिए ये रहा खाना, चावल, क्या चीज का भुंजिया है भैया? आलू बीन्स और आलू का है। अच्छा देखिए आपका चैनल का नाम क्या है? आप खाने दीजिए। अच्छा आप लोग खाना खा लीजिए, उसके बाद बताते हैं चैनल का नाम, हम आप लोगों को वीडियो सेंड कर देंगे। तो इन लोगों को खाना खाने देते हैं, उसके बाद फिर से हम आके मिलते हैं इन लोगों से, पूछते हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम वासुदेव हुआ। अच्छा, क्या चीज़ के प्रिपरेशन करते हैं, किस एग्ज़ाम के लिए? जनरल कंपटीशन कर रहे हैं। अच्छा, जनरल कंपटीशन जैसे SSC? SSC कर रहे हैं, साथ 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 ही साथ झारखंड का कर रहे हैं। अच्छा,
और बस यही कर रहे हैं, क्या करेंगे। कितना दिन से कर रहे हैं? करीब 4-5 साल से। 5 साल से कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है अभी? इतना दिन से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी तक कुछ लग नहीं रहा है। क्या बोला जी, झारखंड का हाल ही बुरा है, बहुत बुरा है। अभी कुछ है वैकेंसी सामने? अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। कोई वैकेंसी नहीं है? पढ़ पढ़ के पागल हो चुके हैं। अच्छा, क्या बताएं आपको। देखिए गाइस, देख सकते हैं स्टूडेंट का हाल, देख सकते हैं क्या है। 5 साल से ये लोग तैयारी कर रहे हैं और अभी तक कुछ हुआ नहीं इन लोगों का। आप समझ सकते हैं क्या मेंटल प्रेशर है इन लोगों के ऊपर। देखिए ये लोग कितना घंटा प्रिपरेशन कर लेते हैं, आप लोग कितना घंटा पढ़ाई करते हैं पर डे? 10 से 12 घंटे। बताइए 10 से 12 घंटे ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ये हाल है कंपटीशन का, वैकेंसी कम आ रहा है, स्टूडेंट ज़्यादा है। तो क्या क्या अब क्या डिसीजन लेना चाह रहे हैं? डिसीजन ये लेना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी बहाली निकाले और हम लोग कहीं नौकरी लगे, यही चाहते हैं। और क्या चाहिए लोग? तो इतना सारा प्रॉमिस करते हैं यहाँ के गवर्नमेंट की, इस बार मैं आ जाऊँगा तो इस बार हो जाएगा, इस बार 5 लाख वैकेंसी आएगा। तो क्या वैकेंसी सही में आता है, या ऐसे ये लोग प्रॉमिस करते हैं जीत जाते हैं, फिर 5 साल चला गया ख़त्म, फिर से प्रॉमिस करते हैं, ऐसे सिलसिला चलते रहता है? अभी तक तो खैर बोलते ही आ रहे हैं, लेकिन तो अभी तो निकला नहीं है। तो गाइज यहाँ पे एक और स्टूडेंट है, उनसे भी मैं जानने का कोशिश करता हूँ कैसा स्टडी चल रहा है उनका और क्या प्रिपरेशन करते हैं। इनसे क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम प्रवीण कुमार। अच्छा, प्रवीण कुमार हुआ। क्या चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं अभी? तो फिलहाल झारखंड का ही हम तो तैयारी कर रहे हैं। झारखंड सचिवालय। अच्छा, कितना दिन से कर रहे हैं प्रिपरेशन? 2017 से कर रहे हैं। तो अभी 4 साल अप्रॉक्स हो गया है, क्या लग रहा है आगे? कुछ लग रहा, आशा है कुछ होने का? लग तो नहीं रहा अभी, जिस तरह से अभी वैकेंसी का सिचुएशन हुआ है। अच्छा, इतना दिन से एकदम हम लोग एकदम पूरा बेरोजगार ही है ना, 2017 के बाद से एकदम पूरा प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत मुश्किल से हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या करें। तो फाइनेंशियल इशू भी आया होगा इस विषय? हाँ बहुत। कैसे मैनेज करते हैं फाइनेंशियली आप? पैसा आता है घर से? मैनेज करते हैं बस, मतलब बहुत एडजस्ट करके हम लोग पूरा खाते पीते हैं जो भी। तो गाइस देख सकते हैं क्या इन लोगों का सिचुएशन है, घर से पैसा कम आता है और उसी में लोग मैनेज करना पड़ता है। यहाँ पे कितना पैसा आता है घर से? 2500। 2500 में मैनेज हो जाता है? हाँ करना पड़ता है 2500 में मैनेज, खाना पीना सब, मोबाइल रिचार्ज। मोबाइल रिचार्ज तो क्या, वही मतलब स्टडी मतलब करते हैं, वही मतलब लाइब्रेरी में जाते हैं तो। अच्छा, लाइब्रेरी फी भी लगता है? 200 लगता है। अच्छा 200 लगता है। तो गाइज फाइनली हम लोग अब रूम नंबर 9 में जा रहे हैं और पूछते हैं इन लोगों से भी जानने का ट्राई कोशिश करता हूँ क्या एग्जैक्टली इशू है इन लोगों का, कितना दिन से लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम लोग नॉक कर रहे हैं, जा रहे हैं फाइनली रूम में। देख सकते हैं गाइज पूरा स्टडी पे फोकस है, स्टडी के लिए बैठे हैं। तो इनसे हम लोग आज जानने का कोशिश करता हूँ कितने दिन से ये तैयारी कर रहे हैं और क्या क्यों नहीं हो पा रहा है जॉब, क्या इशू है, क्या क्या इशू आ रहा है स्टडी के दौरान। तो क्या जान सकता हूँ क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम हुआ अनिल कुमार महतो। अनिल कुमार महतो, तो अनिल जी कब से प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? 2018 से हम कर रहे हैं। अच्छा, क्या चीज़ के लिए कर रहे हैं प्रिपरेशन? जेपीएससी का प्रिपरेशन। अच्छा जेपीएससी का, देख सकते हैं गाइस जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जानते हैं ये स्टेट पीसीएस है ना, स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम होता है ये जेपीएससी। तो कैसा चल रहा है प्रिपरेशन अभी आपका? प्रिपरेशन अभी ठीक ही चल रहा है। तो इतना दिन से तैयारी कर रहे हैं, कुछ क्यों क्या इशू हो रहा है, हो नहीं पा रहा है? तैयारी तो कर रहे हैं उतना दिन से, लेकिन यहाँ का जो गवर्नमेंट है उसका रवैया छात्रों के प्रति सही नहीं है। अच्छा, उसका जो नीयत बहुत खराब है। क्या जैसे कुछ जैसे यहाँ सरकार की तीन जो प्रमुख बात है, उसके जो नियत उसको साफ होना चाहिए जो कि सरकार में नहीं है। अच्छा, दूसरी बात हो गया कि जो नीति जो सरकार बनाती है, अच्छा, वो कहीं ना कहीं फंस जाती है कोर्ट कचहरी के चक्कर में। उसका जो नियोजन नीति अभी तक नहीं बना है, झारखंड अलग हुए 22 साल हो गया है। अच्छा, उस प्रकार जो हक अधिकार यहाँ के छात्रों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया, जिसके कारण यहाँ का छात्र बेरोजगार है, हम भी बेरोजगार हैं। वही उसी एक आशा लगाए बैठे हैं कि एक नौकरी ले लें यहाँ पे, ताकि मेरा जो घर परिवार सुखी संपन्न कुछ जैसे कि चल सके, लेकिन सरकार का रवैया ठीक नहीं होने के कारण काफ़ी परेशानी झेलना पड़ रहा है हम लोग को। गाइस समझ सकते हैं इन लोगों का, स्टूडेंट का दर्द समझ सकते हैं, 4 साल 5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और इतना कम पैसा में मैनेज करते हैं लोग। कितना पैसा आता है घर से?
कुएं का निश्चित नहीं है, कभी 1500 कभी 1000 2000 3000 ऐसे करके। जैसे दाल चावल घर से आ जा, दाल नहीं मतलब चावल हो गया आपका, आलू वगैरह घर से आ जाता है तो मैनेज हो जाता है किस तरह से, मतलब खाना वगैरह पूरा घर से आता है। पापा खेती करते हैं, किसान हैं, किसान परिवार से बिलोंग करते हैं हम लोग। समझ सकते हैं गाइस, ज़्यादातर यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं बात करके ये पता लग रहा है कि ये लोग किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, और अभी इनसे भी मैं बात किया हूँ तो ये भी यही बोल रहे हैं। तो आगे का क्या प्लानिंग है? अगर आगे का प्लानिंग यही कि जो सरकार बने 3.5 साल हो गया झारखंड में, स्पेशली JSSC और JPSC का तैयारी करते हैं, क्योंकि सेंट्रल का भी तैयारी हम लोग अभी नहीं करते, सिलेबस थोड़ा सा काफ़ी अंतर होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि अपने राज्य में ही नौकरी करेंगे, अपने राज्य के लोगों की सेवा करेंगे, इसी कारण हम लोग चाहते हैं कि अब राज्य में ही नौकरी लें। लेकिन जिस प्रकार से सरकार का रवैया है, कहीं ना कहीं छात्रों को जो है सो काफ़ी परेशानी झेलना पड़ रहा है। इसी प्रकार से 3.5 साल हो गए तक कुछ हुआ नहीं है, तो आस लगाई बैठे हैं कि हो सकता है अबर हो जाए, अबर नियोजन नीति सही ढंग से लागू हो जाए, यहाँ के छात्रों को इस बार राहत अधिकार सही मिले, वही आशा लिए बैठे हैं और तैयारी में लगे हुए हैं। तो फाइनली इस वीडियो के माध्यम से सरकार को क्या आप सरकार को तो हम यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द अर्थात शीघ्र नियोजन नीति, एक स्पष्ट नियोजन नीति जैसे कि बनाए झारखंडी छात्र के हित में, और यहाँ के छात्रों को जैसे थर्ड या फोर्थ ग्रेड में 100% रिजर्व दे। बेरोजगार का दर्द केवल बेरोजगार छात्र ही समझ सकता है कि उसके उसको कितना झेलना पड़ता है। कहीं समाज में जाओगे बैठोगे बोलोगे कति दिन पढ़ रहे बाबू, कहीं नौकरी कर भी, तमाम तरह की समस्या झेलना पड़ता है उसका। दूसरा फलना वाला आदमी बोलेगा कि पता नहीं नौकरी कब करेगा कि नहीं करेगा, कि हजार में टाइम पास कर रहा है, लेकिन उसको चीज़ को पता नहीं ना कि यहाँ पे वैकेंसी निकलती है, रद्द हो जाती है, फिर निकलती है, फिर रद्द हो जाती है। लेकिन इसका झेल इसका जो जितना भी भुगतना पड़ता है छात्रों को ही भुगतना पड़ता है। 2018 में ही एग्जाम दिए हैं JSSC का, वो भी अभी तक सिलेक्शन हो जाता, लेकिन उसको रद्द कर दिया गया है, अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया। रिजल्ट रद्द कर दिया तो पूरा, अब उसके लिए हम लोग किसी केस चल रहा है, लेकिन पता नहीं कौन जानता कब आएगा रिजल्ट, उतना दिन तक तो टाइम नहीं है वेट करने का, तो पारिवारिक स्थिति भी सही नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल सही नहीं है। झारखंड उसको सरकार चाहते थे कि उसको रोजी रोजगार दे और मतलब एक अच्छा जीवन मतलब बना सके, भविष्य में अच्छा अपने परिवार को चला सके, तो जल्द से जल्द उसको बस एक स्पष्ट नियोजन नीति बनाना चाहिए और जल्द से जल्द एग्जाम लेना चाहिए, क्योंकि कितना आदमी पढ़ेगा जी, पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो जाता है। वो तो आप सही बात बोल रहे हैं। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अगर आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट करें, तो फिर अगर 100 से ज़्यादा लाइक आया तो मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।